नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक सर्वे बुलेटिन, और मेरे पीछे जो धरना चल रहा है, ये धरना आज का नहीं, 18 नवंबर से धरना है। और इस धरने पर रात एक व्यक्ति की हालत जो है ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, जिनका नाम हरपाल सिंह का सरकार, जो एडमिट है अस्पताल में। लेकिन धरना लगातार जारी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कौन बीमार हो रहा है कौन नहीं है, लेकिन धरना जो है जारी है। आइए इसी विषय में बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या नाम है जी आपका? लोकेश कश्यप जी। लोकेश जी, बताइए आज धरने पर कौन कौन सी मांगे हैं आपके, जो भाई? हमारी जो पिछड़ी के सब लोग हैं, इन्हें अपना हक मिलना चाहिए। और कुछ महिला ऐसी है बेरोजगार है, कुछ आदमी भी ऐसे है जो बेरोजगार है। आज तक हमारा पिछड़े वर्ग के लोगों का कुछ नहीं होया, क्योंकि हम वोट तो हम भी देते हैं समाज में। हम वोट तो सभी देते हैं, कोई किसको देता है कोई किसे देता है, वो बात सही है, पर हम जनगणना करवाना चाह रहे हैं, ये हमारा होना चाहिए। अच्छा जी, कुछ महिला ऐसी है जो जनगणना से क्या होगा? अच्छा ये बताइए आप, देखो इस धरने पे बैठे इसके इसीलिए तो बैठे हैं हम, हमारा कुछ क्या नाम यानी पिछड़ी के लोगों का कुछ यानी समाधान होना चाहिए। जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनके सिर पे छत नहीं है, के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो वे क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि ये हमारी सरकार इतनी अंधी क्यों हो रही है हमारे लिए, जो हमारा गरीबों का कुछ सोच ही नहीं रही है। तो हम ये चाहते हैं इन लोगों का भी कुछ मतलब होना चाहिए। नहीं, आप कहते हैं गरीबों को आवास नहीं है, एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको मिले आवास, आपको भी मिला होगा? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं मिला। ये महिला आ रही मेरे साथ में, इनमें से कुछ किराए पे है, किसकी छत टूट रही है, किसी के क्या नाम बारिश में छप्पर ही उड़ रहा है, कुछ नहीं है। तो हमें तो कुछ नहीं मिला अब तक का। आपकी रसोई कैसे चल रही है बताइए आप? रसोई में तो एक टाइम सब्जी बन गई, दूसरी टाइम रोटी भी नहीं है, रसोई ऐसी चल रही है हमारी। महंगाई है, इस महंगाई को कैसे कवर करे जब रोजगार नहीं हमारे पास। 2014 में सरसों का तेल का भाव 40 रुपए किलो था, आज क्या रेट है? आज तो सरसों का तेल का 170 का, रिफाइंड 160 है, तो कैसे काम चलाएंगे? मजदूरी है हमारी 200 रुपए, तो उसमें हम बच्चे पालेंगे या पढ़ाएंगे लिखाएंगे या घर बनाएंगे या पेट पूजा करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आप? सरकार कहती है कि ये जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो है देशद्रोही है, किस तरह की बात कर रही है सरकार, बताओगे? देशद्रोही नहीं, हम तो क्या नाम यही इसमें ही उत्तर प्रदेश के इंसान है सब, जो कि क्या नाम गरीब पिछड़ी के लोग हैं, इन पर क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार? क्यों ये कुछ मतलब जब वोटिंग की बात आती है, जब तो हाथ जोड़ के जी वोट चाहिए जी, फिर उन बातों को भूल के इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही सरकार? जो बेचारे किराए पे पड़े हैं, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, छत नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इनका कोई रोजगार नहीं है, तो इन पे क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार? धरने के माध्यम से सरकार को कब तक बाधित करोगे कि हमारा काम होना चाहिए? इतना धरना हमारा जारी रहेगा, इतना हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम धरना अपना जारी रखेंगे, ठीक है? अपना परिचय एक बार और बता दीजिए। मैं यही मुजफ्फरनगर से ही हूँ। अच्छा जी, लोकेश कश्यप। इसलिए मेरे साथ बहुत सी महिला है जो बिचारी बहुत परेशान है इस विषय में, जो क्या नाम ना काम है, रोजगार है, ना बच्चे पढ़ लिखते, ना सिर पे छत है। अच्छा, ये हमारी मांगे इतने पूरी नहीं होने की पिछड़ी वाले लोगों की, इतना हमारा धरना जारी रहेगा। ये मेरे साथ लोकेश कश्यप, और इनका दर्द, इन्होंने ब्याह कर दिया कि हमारे पास जो है रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी सरकार ने कर दी है कि जो तेल का भाव 40 रुपए था, 170 से 180 रुपए तक हो गया है, हम रसोई कैसे चलाएं? नेता के साथ साथ हम गृहिणी भी हैं, रसोई कैसे चलाएं? कि रसोई का सबसे ज्यादा ज्ञान तो महिलाओं को ही होगा, सरकार को इनकी और देखना चाहिए कि इतनी महंगाई जो अब ये झेल रहे हैं, तो जनता झेल रही है, ये दही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।